यहाँ बड़ौदा में BAPS स्वामीनारायण मंदिर के प्रिमाइसिस में OSDIS विनोद राव की विनंती से यहाँ BAPS के प्रिमाइसिस में एक कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। आज छठा दिन है और इनिशियली जब विचार उनको आया, हमने सबने साथ में मीटिंग की, उनके विचार से हम भी प्रभावित हुए और हमें भी एक सेवा का मौका मिल रहा था। तो उस वक्त हमने हमारे जो प्रिमाइसिस है, जहाँ हमारी रविवार की सत्संग सभा लगती है, उस जगह पे पूरा शेड है, वहाँ हमारे पास 200 बेड भी पिछले साल हमने बनाए थे कोविड के लिए, वो भी उपयोग में आ गए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा BAPS संस्था की ओर से दिया गया है। वहाँ पे जो लाइट है, पंखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मोबाइल टॉयलेट्स और मोबाइल बाथरूम्स भी हमने खड़े किए, जो हमारे बड़े उत्सव में हम करते हैं। इसके साथ साथ 25 से 30 एयर कूलर्स भी वहाँ लगाए गए हैं, पूरी पार्किंग फैसिलिटी भी है। और ये सभी व्यवस्थाएं जो नॉन मेडिकल हैं वो वहाँ की गई हैं। जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो सरकार श्री की ओर से, गुजरात सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री से, और यहाँ बड़ौदा में जो GMERS गोत्री हॉस्पिटल है, उस अंतर्गत ये फैसिलिटी अभी खड़ी की गई है। कल रात तक 170 पेशेंट्स थे, सबको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल रही है। मेडिकल स्टाफ में भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। वहाँ किचन की भी अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी कर गई हमने की है। इसके साथ साथ 600 से भी ज्यादा गरीब परिवार को हम भोजन सुबह में, दोपहर में, शाम को भी यहाँ देते हैं, मतलब 2,500 से ज्यादा लोगों को। क्योंकि हमारे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज का हमेशा ये एक मकसद था, उनका जीवन सूत्र था कि अन्य के सुख में हमारा सुख है, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष है। तो अन्य के दुख में हमें हमेशा उनको मदद करनी चाहिए। इस प्रकार की भावना जिनका शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, वे हमारे गुरुहरि प्रमुख साईं महाराज की हमेशा रही थी। तो उस भावना को लेकर के आगे चल के ये सेवाएं की हैं। तो जो भी धर्म संस्था है, सामाजिक संस्थाएं, आज हम देखते हैं समाज में ऐसी कई संस्थाएं सेवा करती हैं, तो सभी को जितना भी हो सके, जो भी हो सके इस अवसर पर, तो समाज को जरूरत है तो उसकी सेवा में वे आगे बढ़े, यही हमारा अनुरोध है। और आज हम भगवान स्वामीनारायण को और हमारे गुरुवारी महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी कोविड पेशेंट्स, सिर्फ बड़ौदा में या गुजरात भारत में नहीं, लेकिन पूरे विश्व में जो है, उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई अपना परिवारजन न गंवाए, और पूरे विश्व में से ये कोरोना संपूर्ण नष्ट हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अस्तु, जय स्वामीनारायण।